ये आज का वीडियो बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो एक्सेस रखने वालों के लिए, ठीक है। ये जो स्प्रिंग देख रहे हैं, ये एक्सेस का क्लच स्प्रिंग है जो टेंशन देने वाला। ये जो स्प्रिंग मैं थोड़ा अल्ट्रेशन किया हूँ, यानी कि अल्ट्रेशन करके चला के पूरा चेक करके हो गया पर लीटर लंबा या शॉर्ट। सिटी रेंज में चला रहे हो या लंबा चला रहे हो, 10% का इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि मुझे 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये छोटा सा जो ऑल्ट्रेशन है क्लच में जो करना है, ये क्या करना है, मतलब ये जो क्लच खोलेंगे ना, ये स्प्रिंग आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो जैसे स्प्रिंग आपको मिलेगा, ये जो ग्रू है ना, ये जो ग्रू, इसको एक साइड से काटना है, इसको निकालना है, ठीक है। निकालने के बाद ऐसे ही एग्जैक्ट दूसरा जो स्प्रिंग लेना है और उसका जो एक 60% काट के निकालना है, ठीक है, इतने तक मिलना है। इसको इधर से ऐसे ही जॉइंट करना, एग्जैक्ट सेम साइज, ठीक है। जॉइंट करके सिर्फ इसको डालना है, बस और कुछ नहीं। देख लो, नॉर्मल स्टॉक स्प्रिंग और ऐसे ही स्प्रिंग से इतना काटना है, इतना काट के इसको जॉइंट करना है, बस। इसमें फ़ायदा क्या मिलेगा, एक तो पाँच छः किलोमीटर मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, 10% का हिसाब आया, 40/5 50 किलोमीटर के हिसाब में आप 10% मिलाएंगे तो 5 किलोमीटर का हिसाब आ रहा है, मुझे मिल रहा है एक्स्ट्रा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्यों बोले तो लंबा चला क्यों, मैसूर जाके आया, सब इसी में घूमा। तो ये करने के बाद गाड़ी को 3 फायदे हैं। एक, रनिंग इन अच्छा रहता है, जो जब थ्रॉटल देते हैं स्मूथ रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, जैसे जैसे थ्रॉटल देते हैं वैसे वैसे आपको रिस्पॉन्स करेगी, एक। दूसरा जो माइलेज, जो तीसरा जब 60 क्रॉस करेंगे आप, जैसे कि 60 क्रॉस करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा स्प्रिंग है ये एंगेज होता है उस टाइम पे। 40-50-60 क्रॉस होना, उस टाइम पे क्या होता है, थोड़ा राइज लेती है गाड़ी, थोड़ा सा जैसे RPM बढ़ेगा वैसे आपको पिकअप भी ऐसे ही मिलेगा, यानी कि पिकअप मिल गया, माइलेज मिल गया, रनिंग इन हो गया, ठीक है। रनिंग इन बोले तो जब थ्रॉटल जब छोड़ते हैं, जब 40-50 के रेंज में आप थ्रॉटल छोड़ेंगे ना, वो स्पीड मेंटेन होता है, इंजन ब्रेकिंग नहीं रहता। मैं ये बोल रहा हूँ, इंजन ब्रेकिंग कम है, रनिंग इन अच्छा रहता है, माइलेज भी मिलेगा और आपको पिकअप भी मिलेगा, और गाड़ी ज़्यादा हीट भी नहीं होती। ये 5वां मिला लो, इतना सब फ़ायदा है सिर्फ इसी जो मैं अभी चला रहा हूँ मेरी गाड़ी। और ये रहा हमारी गाड़ी, ठीक है। देख लो, ये साइड ऐसा बैठ रहा बोले तो क्लच, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इधर जाएगा। तो हम लोग इस लोग क्लच खोल रहे हैं, यही है पोजीशन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसको निकालना है और ये इधर क्लच शट ऑफ 3 में बैठता है, ठीक है, जो शू है ना वो साइड बैठता है, ठीक है। इसको निकाल के सिंपली ऐसे जिसको ग्राइंड करके ऐसे बिठा देना है, खोलना, ऐसा जॉइंट करना, वेल्ड करना, इसको काटना, बिठाना, बस, ठीक है, इतना ही जिसमें काम। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बोले तो मैं डिटेल वीडियो खोल के और दोबारा फिट करने का वीडियो बनाता हूँ ऑन रिक्वेस्ट। क्यों बोले तो खोलना और बिठाना ये सिंपल है, जो आइडिया भी सिंपल है, बोलेंगे तो समझ में आ जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिटेल वीडियो बना बोले तो व्हाट्सएप में मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं डिटेल वीडियो बना के आपको मिलता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यही, सिंपल 10% इंक्रीज ऑन माइलेज, बस। अगला वीडियो जो इंटरेस्टेड है, फ़ायदेमंद है, तो मैं बनाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि इसमें फ़ायदा है। तो लाइक कर लो वीडियो को। खुदा हाफिज़।